वेलकम बैक सो दिस इज मी नसीम और आपने हेडिंग तो पढ़ ही ली है कि मैं आज करने वाली हूँ वन ब्रांड ट्यूटोरियल एंड दैट ब्रांड इज ब्लू हेवन यस ब्लू हेवन के सब प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं और मैंने क्रिएट किया है ऑफिस गोइंग लुक और वो भी ओनली फाइव प्रोडक्ट्स के साथ बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है जब हम ऑफिस के लिए जाते हैं तो इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी वाला मेकअप लुक है सो so चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए लाइक एंड शेयर करना मत भूलना सो लेट्स राइफ इन वीडियो सो so, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का फ्रेश डिव मॉइस्चराइज़र और इसमें हाइरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही डीपली हाइड्रेट करता है अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड ये वाला मॉइस्चराइज़र ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट है बिकॉज ये जब भी मैं अपनी स्किन केयर में यूज़ करती हूँ ना वो मुझे बहुत अच्छा ग्लो देता है और इंस्टेंटली हाइड्रेशन देता है और आप देख सकते हो मेरे फेस पर ना जैसे ही मैंने लगाया है वैसे ही मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है एंड सेकेंडली ये ज़रा भी स्टिकी नहीं है बहुत अच्छा लगता है जब आप इसे लगाते हो तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्रेप एंड फिक्स मिस्ट इसमें है विटामिन बी एंड ई और इसके साथ साथ है एलोवेरा मैं इसे अच्छे से अपनी स्किन पे स्प्रे कर देती हूँ ये मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन पे और जब ये अच्छे से स्प्रे हो जाए तो मैं इसे डैप डैप कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर सके फेस्ट मिस्ट को और ये पैराबिन फ्री है ये बहुत अच्छे से ना आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है और एज़ वेल एज प्राइम भी कर देता है और अब मैं इसके बाद यूज कर रही हूं कंसीलर एंड करेक्टर पॉट ये वाला पॉट ना मैंने एक कोई ऑनलाइन शॉप से ख़रीदा था तो ये इसमें एक चीज़ है कि ये कंसीलर एंड करेक्टर एट द सेम टाइम काम करता है आपको अलग से करेक्टर अलग से कंसीलर लेने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे से आपके पिगमेंटेशन को है ना कवर कर देता है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ना अंडर आई और है ना माउथ एरिया फोहैड पे बहुत सारा पिगमेंटेशन है आप आप देखना ये इतने अच्छे से कवर कर लेता है मैं इसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और उनसे इसका प्राइस भी आ, पूछ सकते हो बिकॉज उस वक्त मैंने कुछ अराउंड सिक्स हंड्रेड का ये वाला पॉट परचेज करी थी तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि है ना अभी फ़िलहाल कुछ ऑफर्स है या नहीं बिकॉज़ हमेशा है ना इनके पास ऑफ़र्स चलते ही रहते हैं तो मैं जल्दी से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ और आप इसकी कवरेज देख ही सकते हो कितनी अच्छे से ये कवर कर रहा है मेरे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स को तो इसको ब्लेंड करने के बाद तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फुल कवरेज कंसीलर पेन कंसीलर पेन इसलिए बिकॉज इसके बैक साइड में इस तरीके से टिक टिक करके है ना दिया हुआ गया है बटन तो वो इसलिए पेन की तरह आप यूज़ कर सकते हो तो मैं इसे है ना अपनी हाईलाइटेड पॉइंट्स पे लगा लूँगी और अच्छी कवरेज है इसकी फुल कवरेज है तो मैं इसके बाद कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी हमें ज़्यादा लेयर नहीं करना है मिनिमम रखना है तो इसलिए मैं इसे एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ तो इसे ब्लेंड कर लूँगी मैं विद अ ब्रश मैं पहले इसे अच्छे से लगा लेती हूँ एंड देन इसे ब्रश की हेल्प से ना ब्लेंड कर लूँगी आपने देखा ये कंसीलर ब्लू हेवन का इतना अच्छा है और फुल कवरेज देता है इसके बाद मैं इसे है सेट कर लूँगी विथ ब्लू हेवन फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर रेडियन फिनिश ये लॉन्ग स्टे करता है और मैं इसमें है ना ये स्पंज आता है मैं वो यूज़ नहीं करूँगी मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी एंड उसकी हेल्प से मैं अपने फुल फेस को सेट कर लूँगी और अपना फेस सेट करने के बाद मुझे ना मेरी आइस थोड़ी सी डल लग रही है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ मैं अपनी कोई भी क्रीम लिपस्टिक लेती हूँ और अपनी आइस पे लगा लेती हूँ तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक जो ब्राउन शेड में है वो अपनी आईलेट पे लगा रही हूँ और उसे अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ इससे है ना बहुत ही नेचुरल लुक आता है ऐसा लगता नहीं है कि आपने आई लगाया है या कुछ लगाया है बहुत ही नेचुरल लगता है तो कमेंट्स में बताना आप लोग में से कितने लोग करते हो अपनी क्रीम लिपस्टिक को अपने आईलेट पे लगाते हो सो so... सो so, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की काजल पेंसिल इन शेड ब्लैक इसमें ब्लू शेड भी आता है वो भी मेरे पास है बट आज मैं यहाँ पे ब्लैक लगा रही हूँ सबसे पहले मैं है ना इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी और इसके बाद मैं अपने अपर लैश लाइन को भी इसी से आ, लगा लूँगी बिकॉज़ मुझे यहाँ पर है ना लाइनर नहीं लगाना है और जब आप इस तरीके से लोअर एंड अपर लैश लाइन में काजल लगाते हो तो वो बहुत ही नेचुरल लुक देता है आपको सो so, सबसे मेन पार्ट ऑफ मेकअप है आईब्रो मैं यहाँ पे अपने आईब्रो कोम कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पूली हमेशा याद रखिए चाहे आप मेकअप करो या ना करो बट अपने आईब्रो फिल ज़रूर करिए बिकॉज उससे है ना एक अलग ही लुक आता है तो यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की काजल पेंसिल येस मेरे पास है ना कोई भी आईब्रो किट नहीं था तो मैं अपनी काजल पेंसिल को ही आईब्रो पेंसिल बना के यूज़ कर रही हूँ और जहाँ जहाँ गैप है मैं वहीं पे फिल कर रही हूँ और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्पूली फिर से अपने आईब्रो को कोम करने ताकि जो भी हार्श लाइन बनी हो मेरे आईब्रो के पास तो वो अच्छे से ब्लेंड हो सके और इवन लुक दिखे आप बता नहीं सकते हो कि यहाँ पर मैंने काजल पेंसिल यूज़ की आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर कोई भी आईब्रो किट यूज़ किया है तो इसके बाद यहाँ पर मैं है ना यूज़ करूँगी फिक्सिंग स्प्रे और ये इससे है ना मेरा फ़ेस अच्छे से सेट हो जाएगा और मैं इसे ना ब्लेंडर की हेल्प से सेट करूँगी बिकॉज मुझे आदत है ब्लेंडर की हेल्प से ही अपना फिक्सर डैप करने की तो इसी के साथ अब मैं यूज़ करूँगी मेरी लिपस्टिक और मैंने यहाँ पे लिप बाम लगा लिया है पहले लिपस्टिक लगाने से पहले तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्राउन शेड में है और ये वाला शेड है ना मेरा फेवरेट है फ्रॉम ब्लू हेवन इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा क्रीमी है और हमेशा याद रखिए जब भी आप रेगुलर बेस पे अगर कोई लिपस्टिक लगाते हो तो क्रीम वाली लगाइए मैट वाली नहीं बिकॉज मैट लिपस्टिक से आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं सो so इसी के साथ मेरा मेकअप लुक हो जाता है कम्प्लीट कैसा लगा आपको ये वाला मेकअप लुक होप आप सबको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम माय इंस्टाग्राम हैंडल इस हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय